आज के लेसन में हम बात करेंगे कि सूफिज्म पेंटिंग के लिए प्रॉपर पेंटिंग प्रोसेस क्या है। बेसिकली सूफिज्म पेंटिंग इज समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्ट। आप कहीं पर भी कोई फेस नहीं ड्रॉ कर रहे एग्जैक्टली, आप कोई लैंडस्केप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप कोई फ्लोरल ड्रॉ नहीं कर रहे कि जिसमें आपको एक अगर रोज बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर शेप बनानी होगी। इसमें सूफिज्म में जो चीजें मैटर करती हैं वो कुछ मैंने लिस्ट डाउन की, सो आई एम शेयरिंग विद यू। नंबर वन इज कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हमारे प्रीवियस लेसन में आपने देखा कि मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि आप शेप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं विद ब्रश। ठीक है, तो बैकग्राउंड आप क्या बना रहे हैं, आपको डिफरेंट मैंने टेक्निक्स बताई, आप वो टेक्निक्स यूज करके, जो ब्रश स्ट्रोक्स की टेक्निक्स आपको बताई गई, आप वो टेक्निक्स यूज करके बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। पहली चीज आ जाती है बैकग्राउंड। दूसरी चीज आती है आप सूफी किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसका कौन सा जेस्चर जो है वो आप दिखा रहे हैं। फिर आपकी कलर चॉइस क्या है। सो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत डिटेल में जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए, जेस्चर्स बताए, पोजीशंस बताए, एंगल्स बताए, कंपोजिशन बताए कि किस तरह से आपने इसको कंपोज करना है, डेप्थ कैसे देनी है, डायमेंशन क्या हो सकती है, फिर कलर स्कीम्स आपको बताई, तो ये सारी चीजें बेसिक थी। अब आप उन बेसिक्स को यूज करके किसी भी किस्म की, कोई भी, कितने भी बड़े या स्मॉल साइज के कैनवस पे आप सूफिज्म पेंटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में जब हम कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उसका एक प्रॉपर मेथड है, एक पेंटिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने ड्रॉ क्या किया है। फॉर एग्जांपल अगर लैंडस्केप है तो हम पहले उसमें देखते हैं कि जी लैंडस्केप ड्रॉ किया है, इसमें ट्रीज कहाँ है, इसमें रिवर कहाँ है, माउंटेन्स हैं या नहीं, रॉक्स हैं या नहीं, लाइक ये चीजें। उसके बाद हम एक बेस कोट अप्लाई करते हैं। बेस कोट अप्लाई करने के बाद हम शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से, यानी शेप्स को अलग अलग कर लेते हैं कि हाँ ये ट्रीज हैं, ये माउंटेन्स हैं, ये रॉक्स हैं, और फिर आप उनके अंदर फॉर्म ऐड करते हैं, टेक्सचर ऐड करते हैं विद एडिंग सम डिटेल्स, और करते करते यानी आप ये कह लें कि एक बड़े ब्रश साइज से आप आहिस्ता आहिस्ता माइनर डिटेल्ड ब्रश साइज जो होता है उस पर चले जाते हैं और आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, फिर से आपको बता रही हूँ कि इट इज समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्ट। आपने बैकग्राउंड पे काम करना है, शेप्स आपको बता दी हुई हैं, जेस्टर्स आपको बता दी हुई हैं, उन्हीं तीन जेस्टर्स में आप किस तरह से वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं ऑयल्स को यूज करके या एक्रिलिक्स को यूज करके, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर क्रिएटिविटी। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपने लाइन, सिंपल लाइन पैटर्न्स को यूज करके सूफी ड्रॉ किया, पेंट किया। आज जो पेंटिंग स्टाइल सूफिज्म पेंटिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे कैनवस यूज कर रही हूँ। साइज है इसका 8x8, यानी कि 8 इंचेस इसकी विड्थ है और 8 इंचेस इसकी हाइट है। और कलर्स हम आज यूज करेंगे ऑयल्स। ठीक है, ऑयल्स के लिए जब भी मैं पैलेट यूज करती हूँ आई ट्राई टू यूज सम ग्लास। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसकी हालत। ठीक है, ये क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस पेंटिंग में यूज किया था, सो ऑयल्स आर हियर। मैं अभी इसकी बैक साइड यूज करूंगी। यहाँ पे हम अपने कलर्स निकालेंगे और आज जो हम टेक्निक्स देखेंगे उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिक जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उन डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स को हमने यूज किस तरह से करना है। सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, मार्क करेंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। आप कुछ भी, कोई भी जेस्चर जो है, तीन जेस्चर्स आपको बताए, बॉडी शेप्स आपको बताई, आप उनमें से कुछ भी बना सकते हैं। मैं जो यहाँ पे चूज कर रही हूँ दैट इज समथिंग लाइक। अच्छा, अब एक और चीज मेन, जब आप एक कैनवस पे काम कर रहे हैं आपने साइड्स पे नहीं जाना, आप मिड में रहें, ये है आपका मिड एरिया, आप इसको कवर करें। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं ये एरिया, ये जो है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चीजों को लेके चलना। आपके व्यूअर की जो, जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन है, या आपके व्यूअर का जो आई पॉइंट है वो कहां पर है, आई व्यू कहां है, That will be in the medium.
दैट विल बी इन द सेंटर। आपकी आपने इसको देखना इस तरह है कि आपके व्यूअर का आई व्यू क्या है। तो हमेशा जो चीज दरम्यान में होती है आप उसे प्रोमिनेंट बनाते हैं। आप थोड़ा सा इसे यहां कर सकते हैं यहां, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने सब्जेक्ट को कॉर्नर्स में ले जाएं, एजेस में ले जाएं। दैट विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू। अभी ये जस्ट मैंने आपके सामने एक मार्क कर दिया, कोई प्रॉपर ड्राइंग या इस तरह से चीजें नहीं की, लेकिन ये सारा कुछ खुलकर आपके सामने आएगा जब मैं इसको कलर करूंगी। सो हम कलर्स क्या सिलेक्ट करने वाले हैं इसके लिए, आई एम गोइंग विथ सम, ये आ गई मेरी ऑयल किट। अब इस ऑयल किट में मैं यूज करूंगी अ लिटल बिट बर्नड सीना ब्लैक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ट्यूब्स नहीं है, क्योंकि मैं ऑयल्स में इसके स्लो ड्राइंग टाइम की वजह से थोड़ा कम इस पर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी मैं चीज़ अपना काम करूँ, मुकम्मल करूँ और काम को ख़त्म करूँ। तो उसके लिए फिर मैं बहुत ज़्यादा इस कलर रेंज को यूज़ नहीं करती। सही। सो ये होंगे हमारे कलर्स, यानी आपको थोड़ी सी कलर टोन समझ आ गई होगी कि ये मैं क्या ले रही हूँ। मैं यहाँ पे वाइट ले रही हूँ, बर्न सीना है, ब्लैक है, उसके बाद मेरे पास है जी रेड के दो शेड्स, यानी एक स्कारलेट और एक है वर्मिलियन, और एक मैं साथ थोड़ा सा यूज करूंगी येलो ऑक्रे। राइट, सो थोड़ा थोड़ा सा इनको निकाल लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, आप ट्यूब से लेते रहें। इसके थिनर के तौर पे मैं यूज कर रही हूँ ये लिंसिड ऑयल, और ब्रशेस को वॉश आउट करने के लिए सुपर फाइन टर्पेंटाइन ऑयल मेरे पास अवेलेबल है। जब भी आपने लिंसिड ऑयल यूज करना है तो आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना, या बहुत ज्यादा ऑयल इसमें इन पेरेंट्स में आपने यूज नहीं करना, क्योंकि लिंसिड ऑयल अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, एक तो ड्राइंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा डिले तो होता ही है, साथ ही साथ इसका जो कलर वैल्यू है वो भी चेंज होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया, अपने ब्रशेज आप सेपरेट रखेंगे। अभी फिलहाल मैं इन दो कलर्स को साइड पे कर रही हूँ। आप अपने ब्रशेज सेपरेट रखते हैं, एक डस्टर हमेशा अपने पास रखें। अब मैं इन सारे कलर्स में लिंसिड ऑयल ऐड करूंगी ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाए। सो वन बाय वन इन्हें अब करेंगे मिक्स। बट मैं क्या करूंगी, मुझे जो कलर्स ज्यादा पहले चाहिए, यानी फर्स्ट कोट जो अप्लाई करना है, मैं पहले उसे मिक्स करूंगी। और मेरे पास यहाँ पर है मेन कलर वाइट, और आप देख सकते हैं मैंने वाइट ज्यादा लिया। अब ये देखिए, ये होते हैं थिक कलर्स, तो अगर आप इसी तरह से इनको कैनवस पे अप्लाई करेंगे, अगर आप पैलेट नाइफ का काम कर रहे हैं, पैलेट नाइफ को यूज कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रशेज से इनको अप्लाई करेंगे तो कोई एक अच्छी कंसिस्टेंसी आप गेन नहीं करेंगे इससे। सो एक्रिलिक्स का थोड़ा सा मामला और है, वो आप पानी डालते हैं, स्प्रे करते हैं और एक अच्छी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाती है। ऑयल्स क्योंकि हार्ड होते हैं तो अक्सर लोग ऑयल्स को डील करना थोड़ा मुश्किल समझते हैं कि नहीं, ये जरा मुश्किल चीज है, इसको कैसे डील करेंगे।
अच्छा, ऑयल्स में अगर अभी आपको लग रहा है कि ये कंसिस्टेंसी भी कम है, लाइक कभी ये थिक है कलर, तो हम इसमें थोड़ा सा लिंसिड ऑयल ऐड करेंगे। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है राउंड टिप ब्रश, हल्की, ये देख सकते हैं आप इसकी शेप, और नंबर है इसका 7। राउंड टिप ब्रश है क्योंकि मैंने इसे फिगर लाइक स्ट्रक्चर देना है। बहुत ज़्यादा मैं पेंट लोड नहीं करती ब्रशेस पर। और अब हम अपना पेंट स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सिंपल एक बैकग्राउंड इसका करूंगी। मुझे ड्रॉ करते हुए लगा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, तो मैं इसे उठाऊंगी कि ये ऊपर की तरफ हो। थोड़ा सा इसको मैं पर्सनली, ऊपर से मुझे स्टार्ट करूंगी खुद इसी ड्राइंग में। एक्रेलिक्स ज्यादा इसको पसंद है, ये खासकर जो जब मैं आर्म्स वाला कैलीग्राफी कर स्ट्रक्चर रही रहेगी हूँ इसका, मैं तो थोड़ा फिर सा मैं ऊपर से लूंगी। एक्रेलिक्स पसंद करती हूँ। सूफिज्म में भी मैं एक्रेलिक्स को ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका ड्राइंग टाइम बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी ड्राई हो जाते हैं और आपके सामने अपना एंड रिजल्ट जल्दी आ जाता है। ऑयल्स में अगर आप लैंडस्केप्स पे काम कर रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप फिर ऑयल्स में पोर्ट्रेट्स, सॉरी लैंडस्केप्स में, पोर्ट्रेट्स में आप ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे काम करना होता है और ग्रेजुअली आप कोट बाय कोट हर एक डिटेल ऐड करते चले जाते। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, लाइक आप वेट कर सकते हैं कि कब ये कंप्लीट होती है पेंटिंग, और आप आराम से एक आहिस्ता, यानी अगर आप स्लो वर्कर हैं तो फिर ऑयल्स आर गुड। आप ऑयल्स में बड़े आराम से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे इतना वेट नहीं होता कि मैं वेट करूं कब ये ड्राई हो, फिर नेक्स्ट कोट अप्लाई करके देखूं। और इसलिए मुझे ये होता है जब भी कोई पेंटिंग स्टार्ट की है तो मैं बस फौरन से उसे कंप्लीट करूं, मैं देखूं कि इसका एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो इस वजह से आई प्रेफर एक्रेलिक्स ओवर ऑयल्स। एंड रिजल्ट दोनों का एक जैसा, सिर्फ इसके ड्राइंग टाइम की वजह से और जो ऑयल्स की अपनी एक स्मेल होती है, क्योंकि एक्रेलिक्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप ब्रशेस भी इजीली वाटर के साथ वॉश कर सकते हैं, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है एक्रेलिक्स में। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि मैं इसको मर्ज इस तरह से ब्रश को राउंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, अच्छी तरह, यानी ये एक तो ये टेक्निक है ना मर्ज करने की, कि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए कलर। दूसरा, मैं जो इसको राउंड करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल पोर्स ओपन होते हैं कैनवास के, उनमें भी कलर फिल हो जाता है, तो आपको फिर बड़ा एक अच्छा सा रिफाइंड लुक मिलता है, मतलब रिजल्ट आता है इसका जब आप इस तरह काम करते हैं। सो ये अभी शेप आइडेंटिफाई कर ली हमने कि जी हमने बेसिकली इस एरिया में काम करना है। अगर आप ज्यादा लिंसिड ऑयल यूज करेंगे तो कलर आपका फैलेगा, कलर नहीं समहा ऑयल ही वो फैलता है, और लोग परेशान होते हैं कि जी हमारा कैनवस खराब हो गया। कैनवस का खराब नहीं होता, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल फैला है, लेकिन हम इसे ठीक कर लेंगे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब हम इसमें काम करेंगे। सो जब तक ये थोड़ा सा सेट होता है, हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड में, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ये मर्ज करेगा बैकग्राउंड के साथ। मैं यहाँ पर हल्का सा मैंने ब्लैक शेड लिया और ये मैं एक किस्म का बेस कोट जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे सेट करते हैं। पैलेट नाइफ यूज करते हुए सो जहाँ भी मुझे बैकग्राउंड में रिक्वायर्ड था ब्लैक कलर, वो मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज द टर्न कि अब जो इफेक्ट इसमें देना है वो किस ब्रश को यूज करके मैं दूंगी। सो नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो ये कि
कि मैंने इन्हें करना है मर्ज कुछ इस तरह से। अब हम अपनी उस शेप को जो कि एग्जैक्ट इसके कॉस्ट्यूम की हमने रखी है उसे हम निकालेंगे यानी इनहांस करेंगे। अब जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ दैट इज 00, ठीक है, बहुत ही माइनर सा ब्रश है। ब्रिस्टल्स क्योंकि ओपन हो चुके हैं, ऑयल्स में ब्रशेस को थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि इनके ब्रिस्टल्स ओपन हो जाते हैं। तो अब मैं इनको ये जो फिदर लाइक लुक देनी थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट कलर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पूरा हम बनाएंगे इसमें। अगर कहीं ये देखें आप जैसे ब्लैक शेड इसमें आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपके पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, आप यहाँ पर इस सूफिज्म में आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अब आपके सामने है कि यहाँ पे ब्लैक भी आ रहा है तो इट्स नॉट सो मच टेंसिंग फॉर मी, ठीक है, रिलैक्स मोड में आप बस इसको करते जाएं कि ये जो फिदर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है आहिस्ता आप देख सकते हैं इसमें डेवलप हो रही है ये चीजें, ये ऐसे रखनी। डस्टर अपना पास रखें, आप अपना ब्रश गाहे बगाहे क्लीन जरूर करते जाएं। सही, थोड़ा सा भी आपके सामने उभर के आएगा जब हम इसका बैकग्राउंड भी कवर कर लेंगे। सेम ब्रश और पेन देखिए मैंने कितना कम लिया है और अब मैं इस पोर्शन ये है इसका बेस कोट अंदर वाले पार्ट का।
ब्लैक कलर इसीलिए किया था कि जब इस पे व्हाइट के स्ट्रोक आएंगे तो ये प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि ये ऑयल्स हैं, होना तो ये चाहिए आप ब्लैक करें, उसके बाद इसको ड्राई होने दें, फिर आप इस पे दूसरा कलर कोई भी अप्लाई जो करना चाहते हैं वो आप अप्लाई करें। अब इस पार्ट को मैं कर रही हूँ ग्रे, लेकिन कर मैं इसी तरह से ये इस तरह राउंड उसमें कर रही हूँ कि जो फिदर स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी जगह पे कायम रहें। और ये ग्रेजुअल चेंज के साथ आपने इसको, ये आप देख सकते हैं व्हाइट, फिर ग्रे और अब ये ब्लैक कलर हो गया। इसी तरह यही फिदरी लुक जो यहाँ पर है ये आप बनाएंगे इस तरफ। प्लेन पेंसिल से ड्रॉ करके और ग्रेडियंट्स के थ्रू मैं आपको काम करना तो सिखा दूँ, तो फिर उसमें आपने नया क्या सीखा है? वो ट्यूटोरियल्स तो ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ लोग उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम इस तरह से करके दिखाने का पर्पज ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इस तरह से करके दिखाने का आपको फायदा ये है कि आप लर्न कर सकते हैं, आपके माइंड में आइडियाज आ सकते हैं कि हाँ मैं भी इस तरह से कर सकती हूँ, मैं भी ये काम करूंगा तो और क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। यानी यही टेक्निक यूज करके क्या डिफरेंट कलर्स के साथ आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब आपको थोड़ा सा ये फिदरी लुक क्लियर हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पर इसको फुली मर्ज करने के लिए ये फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रश वैसे हर किस्म की पेंटिंग में, वो कैलीग्राफी है या कोई भी है, सूफिज्म है या लैंडस्केप्स हैं, तो आई प्रेफर टू यूज फ्लैट टिप ब्रशेस। डिफरेंट साइज के फ्लैट टिप ब्रशेस मैं यूज करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मैं अब सब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी थोड़ा सा फिदरी लुक आ चुका है। ये टेक्निक मैं करती हूँ यूज इसलिए कि पेंट जो है वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कैनवस के पोर्स अपेयर हो रहे होते हैं, तो कोई एक प्रोफेशनल लुक उसमें नहीं आती। कैसे लगता है कि शायद किसी बच्चे ने ये काम किया है। आप लोगों ने भी अगर पहले कहीं कोई पेंटिंग्स बनाई हैं तो नोट कीजिएगा कि क्या आपकी पेंटिंग्स में भी पोर्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस हद तक आप पहले काम करते रहे हैं और अब आपके काम में बेहतरी किस तरह से आ रही है। व्हाइट पेंट क्योंकि यहाँ पे ब्लैक अब इस पे काफी हद तक सेट हो चुका होगा। वो मैंने फौरन से किया तो आपने देखा कि कलर किस तरह से उस पे गया। अच्छा आपने एक और चीज नोट की होगी, मैं जब भी काम कर रही हूँ
तो जो एक्स्ट्रा पेंट होता है वो मैं साइड पे कैनवस पे ही साफ कर देती हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मुझे पता है कि मैंने अभी एरिया को कवर करना है, तो मैं उसे फिर कलर्स में कवर कर लेती हूँ। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। वो इसलिए कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में मौजूद जो चीज़ें एक्स्ट्राज होती हैं उनको कवर नहीं कर पाते, तो विद प्रैक्टिस आप ये चीज़ लर्न कर जाते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने डिफरेंट स्ट्रोक साइड पे लगाए हुए, ये बाद में आपको कहीं नजर आएंगे इस पेंटिंग में, ये आपको कहीं पर भी बाद में नजर नहीं आएंगे। सो आई विल हाइड ऑल दीज स्ट्रोक्स, ठीक है, लेकिन आपने अभी ये वाला काम नहीं करना। आपने जब भी न्यू कलर में या किसी दूसरे कलर में पैलेट नाइफ यूज करनी है तो मेक श्योर कि ये साफ हो। देखें आप, मेरी पैलेट नाइफ नीट एंड क्लीन है। आपको कुछ हद तक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। अब मैं यूज करूंगी इसमें ये दोनों कलर्स। अब हम थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करेंगे। और इसके साथ ही ये, ताकि ये एक ही कलर टोन में शामिल हो। यहां मैं राउंड टिप ब्रश यूज कर रही हूं, ओपन ब्रिस्टल्स हैं इसके, ताकि ये अच्छी तरह से बट इसको मैं इसी तरह से नहीं छोड़ रही हूँ। इसके अंदर ये वाइट कलर मैं ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा ये अच्छी तरह मर्ज कर लिया। अब इसके अंदर मैं ये आप कह रहे होंगे कि फिदर लुक कहाँ गई, तो फिदर लुक अभी आ जाएगी इसमें।
सो अभी इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और फिर हम इसमें बाकी डिटेल्स ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा ड्राई हुआ है ये, और अब हम देखते हैं यानी कितनी देर ड्राई किया है मैंने इसको। मैंने ओपन एयर में रखा है राउंड अबाउट फोर आवर्स, ठीक है जी। और अब जो एक बेसिक इसमें इफेक्ट देना था, वो इफेक्ट आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ट्राई किया, ये चीज आप देख सकते हैं, ये जो एक फीदरी लुक आ रही है इसके अंदर, ये टेक्सचर जो है, ये आप किस तरह से देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर रहे हैं, ऑयल्स हैं तो आपको पता है हाथ वगैरह भी इसी तरह से गंदे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। हम अब ग्लव्स यूज कर सकते हैं, मैं बेसिकली ग्लव्स यूज करके फिर काम सही से नहीं कर सकती। अच्छा, अब जो इसके अंदर हमने इफेक्ट देना है उसके लिए मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी, या तो आपके पास इस किस्म का कोई भी टूल हो, मुझे चाहिए पॉइंटेड एज, ये आप देख सकते हैं, ये ले लें, ये मिलता है इजीली, ये ले लें। इस तरह से कोई पॉइंटेड आपको टूल मिलता है, आप ये ले लें। ये क्या है, ये बेसिकली जो नेल आर्ट के ब्रशेज होते हैं, मैंने जब बहुत बारीक काम करना होता है तो फिर वो ब्रशेज मैं यूज करती हूँ। उनका साइज बहुत कम होता है, सारी शेप्स यही होती हैं, राउंड टेप और फ्लैट टेप और एंगुलर फिल्बर्ट, सारे यही ब्रशेज होते हैं, लेकिन साइज थोड़ा कम होता है, आप ये यूज कर सकते हैं। ये भी ना मिले कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है अपने ब्रशेज की जो ये साइड होती है आप ये यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये हमें बॉल पेन भी तो पॉइंटेड होती है, ये क्यों नहीं रिकमेंड कर रही, वो इसलिए कि वो बॉल राउंड बॉल है तो वो आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं देगी। सो मैं यहां पर जो यूज कर रही हूं आपके साथ शेयर कर देती हूं। मैं यूज करूंगी ये कोई भी ब्रश, उसकी आप बैक साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक फाइन लुक आपको मिले। सो अब करना क्या है, जिस डायरेक्शन में आप ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये टेक्सचर देना चाहते हैं, ये इफेक्ट देना चाहते हैं, आपने उस साइड पे निकालना, उधर से अंदर नहीं लेकर आना, उस साइड पे निकालना। फॉर एग्जांपल अब ये जगह है, अच्छा आप ये देख रहे होंगे ये तो लाइंस बन रही हैं, ये देखें। तो आपने क्या करना है, अंदर वाले की अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी फिलहाल हम ये बाहर वाले को सेट करेंगे। दूसरी चीज जो इसकी टिप है वो ये कि अपने पास टिश्यू पेपर, पेपर टॉल, कोई डस्टर वगैरह पास जरूर रखें, टिप आपने बार बार साफ करनी है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको ये पॉइंटेड साइड से दिखाया, एक ये चीज मैंने आपको दिखाई। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रश की बैक साइड से अगर आप करते हैं, ठीक है, वो दिखा देती हूँ कि इफेक्ट क्या आएगा। ये ब्रश है मेरे पास, ठीक, और ये आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा, ये बड़ा एक स्मूथ सा इम्पैक्ट आएगा। सो हमने जो स्ट्रक्चर निकालना है वो बेसिकली इस ब्रश की बैक साइड को, इस पॉइंटेड एज को आप यूज करके ले सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। ये अगर यहां पे कलर मिस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम वाइट का एक स्ट्रोक देंगे, जो भी हमने देना है इसको सेट करना है तो आपके सामने चीज फाइन हो जाएगी। अभी इस साइड पर देंगे इफेक्ट, सेम इफेक्ट इस साइड पर देंगे, ब्रश आप साथ साथ अपना साफ करते जाएं, यानी ये जो इसकी बैक साइड है वो साफ करते जाएं। ये अब आप देखें, व्हाइट कलर अगर आप यूज करते हैं आप वो इस पे अप्लाई करें बैक साइड पे। अच्छा, अब ये हैं थोड़ी सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप इन इफेक्ट्स पे काम करेंगे, आपका एंड प्रोडक्ट उतना ही बेहतर और खूबसूरत बनेगा। सो आई रिकमेंड कि गिव अप नहीं करना, हो सकता है आपके स्टार्टिंग में स्ट्रोक एग्जैक्टली इस तरह के ना निकलें, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है।
आई एम हेयर, मैं हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ कि आप ये करें ये करें, तो आपने परेशान कहीं नहीं होना। अब इसी से ये मैंने ग्रेडियंट सी लुक दे दी। फिर आप इस, क्योंकि जो पेंट उतर है उसको आपने साफ करना है, अब आप ये देखें कि इधर कितना स्मूथ इसका इम्पैक्ट आया है। सेम चीज इस जगह, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा है। थोड़ा सा अभी इसको छोड़ते हैं, अब हम काम करेंगे सारा बैकग्राउंड पे, ये जरा सेट होता है उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बैकग्राउंड के लिए सेम ब्रश राउंड, लेकिन अब पॉइंटेड टिप नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रश है। आप कोई भी ब्रश जो मैंने आपको पहले ब्रशेस बताए वो ब्रशेस भी आप यूज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ये कलर्स ऐड करूंगी। रैंडमली कलर्स कर रही हूं मैं, लेकिन एक सिमेट्री कलर्स ये रखनी है। ये डार्क हमने किया था इसलिए कि हम इसको एक प्रोमिनेंट लुक दे सकें। फिर उसके बाद यहाँ ये व्हाइट है तो ये एरिया डार्क करेंगे ताकि ये व्हाइट जो है ये प्रोमिनेंट हो सके। सो इस तरह से हम थोड़ा सा कलर हार्मनी जो है इसे अरेंज करते हैं, ये लेकर आते हैं। ये इफेक्ट आपका कब बनता है, ये फीदर वाली, जब आप ज्यादा पेंट अप्लाई करते हैं। मतलब आपने देखा होगा मैंने पहले एक व्हाइट कोट नीचे किया था, वो जो बेस कोट था, फिर ऊपर मैंने कलर्स अप्लाई किए, तो वो बेस कोट की वजह से ये सारा हो रहा है। तो अब आप ये समझें कि ये जो मैं बैकग्राउंड के भी कलर्स अप्लाई कर रही हूँ फिलहाल बेस कोट है। जब ये कोट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम जब इस पे ये फीडर इफेक्ट देंगे तो वो बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आएगा, और वो हम देंगे व्हाइट कलर से। अब देखें ये चीज उभर रही है इसकी। अब आपके सामने है कि जो पार्ट्स, जो स्पेस खाली थी वो सारी मैंने फिल कर दी है। यहां पे मैंने ब्लैक किया, येलो ओकरे, बर्न सीना, ये कलर सारे मैंने ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑयल्स आर अ मेस फॉर मी। मुझे आप लोगों का नहीं पता कि ऑयल्स के साथ मेरे लिए ऑयल्स एक मेस ही हैं। खैर, अब हम एक शेड प्रिपेयर करेंगे। यहाँ ब्लैक ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है और ग्रे शेड हम देंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे डाइल्यूट। नंबर 3 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं लिनसिड ऑयल के इतने पेंट में। अभी मैं यहाँ पे राउंड टिप ब्रश, जो पहले भी मैंने आपको बताया नंबर है इसका 7, ये यूज करूंगी। अभी आपने देखा कि मैंने पैलेट नाइफ से इसको एग्जैक्टली मिक्स नहीं किया, और अभी ये जो कलर टोन निकली है ग्रे, इसको मैं ओवरऑल इस सारे पे
ये करने के बाद अभी थोड़ा सा ग्रेश लुक आपको इस सारे में नजर आ रहा होगा। इसके बाद करना आपने ये है कि अब आप अप्लाई करेंगे वाइट वाइट कलर। या आप एक और काम कर सकते हैं, आप पहले दे दें इसका इफेक्ट, अभी आप देखें कि मैं पेंट टिप पे लेके और वही इस तरह से लगा रही हूं कि एक टेक्सचर भी बने और फिदर लाइक लुक भी आए। अच्छा, आपका जिस साइड का हाथ होता है उस साइड पे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह, आपने देखा हमने प्रैक्टिस की है ड्राइंग में, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके लिए ये काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा, और इस बतन उस साइड से रख के अगर आप ये शेप्स निकालने की कोशिश करते हैं तो। हम जाएंगे फर्दर डिटेल्स में। ये आप देख रहे होंगे कि यहां पे मैं कुछ कुछ जगहों पे व्हाइट कलर कर रही हूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी आपके सामने क्लियर होगा, कहीं पर हम जो कलर दे रहे हैं वो बैकग्राउंड के डार्क कलर्स को शो करेंगे, और कुछ जगहों पर हम इस व्हाइट कलर से इफेक्ट देंगे। अब देखिएगा, ये आप देखें यहां पे मैंने कलर्स कुछ व्हाइट ऐड किए, अब क्या होगा?
ये अब देखें कि वाइट कलर जो मैंने अप्लाई किया सो उससे कितना जबरदस्त इफेक्ट आया। इतने एरिया को तो हमने बेहतरीन तरीके से सेट कर लिया है। थोड़ा सा वाइट मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको भी मैं बाहर की तरफ ब्रश की बैक साइड से निकालूंगी ताकि ये अपना इफेक्ट खुल कर दे। तो इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क करेंगे। डिटेल्स टाइम लेती हैं और जिन चीज़ों पे टाइम दिया जाता है उनसे बनने वाले जो एंड प्रोडक्ट है वो फिर खुद बताता है कि हाँ जी मुझ पे इतना टाइम लगा है, इतनी मेहनत हुई है। अब हालांकि ये टेक्निक आसान है लेकिन क्योंकि हमने एक एक स्ट्रोक को प्रोमिनेंट करना है, एक एक स्ट्रोक को उभार के सामने लाना है, इसलिए हमें इस चीज में भी टाइम लगता है। वाइट मैंने इसमें कोई लिंसिड ऑयल ऐड नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया और मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब इसे ठीक करेंगे हम, यानी ये जो हम फीडर इफेक्ट दे रहे हैं वो देने की कोशिश करते हैं। अब ये साइड हो गई ठीक क्योंकि हम यहां तक ऊपर तक इसका एरिया ये सारा कवर कर चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं सेम इफेक्ट यहाँ पे ये मैंने ब्लैक कलर से दिया है, ठीक वहां मैंने व्हाइट और यहाँ पे जो ब्लैक नीचे किया हुआ था उसी को प्रोमिनेंट किया। इस साइड पे थोड़ा सा हम व्हाइट का इम्पैक्ट देंगे। उससे पहले हम इसकी इनर जो कॉस्ट्यूम है ये सारा यानी इनर एरिया जो है इस
इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बहुत ही कोई पॉइंटेड टूल यूज करें ताकि इसकी एग्जैक्ट शेप आप बना सकें। इस काम को हम कहते हैं इम्प्रेशनिस्ट आर्ट। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जिस जगह पे मैंने स्ट्रोक्स लगाए हैं, आप जब स्ट्रोक्स लगाएंगे वो एग्जैक्ट सेम नहीं होने लगे। सबसे आसान जो चीज़ कोई भी आर्टिस्ट कॉपी करता है या कॉपी किसी आर्टिस्ट का काम अगर आप कर सकते हैं तो वो है जब वो सिंपल ग्रेडियंट काम करता है। इसी तरह मैंने एक सूफी पेंटिंग्स का सेट बनाया ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, जो लोगों ने बहुत ज्यादा कॉपी किया। क्यों? कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसका ग्रेडियंट कलर निकालना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन था तो फिर भी वो ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट्स को लोग जो है वो अचीव कर लेते हैं। जो इस किस्म की आर्ट है इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने अभी इसको एज ए थिक कलर ही मैं यूज कर रही हूं। बाकी रहते हैं अभी इनके हैंड्स, हैंड्स पे काम करते हैं। हैंड्स के लिए मैं कोई प्रॉपर शेप नहीं दूंगी, लेकिन एक थोड़ा सा इफेक्ट जरूर यहां पे दूंगी। और वो है इफेक्ट ये। अब इतनी देर में ये सेट हो चुका है और इतनी देर में अब ये सेट हो चुका है और अब हम इस रेड कलर का इम्पैक्ट सेट करते हैं।
मैं इसको थोड़ा सा एज से बाहर निकाल रही हूँ, इसको फैला रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि अगर मैं इसको बहुत बारीक रखूंगी तो जब ये मर्ज करता हुआ दिखाएंगे इस तरह, तो वो कम हो जाएगा। सो ये हो गया कंप्लीट। अब रह गए इसका फेस का। उसमें आपको पता है कि मैं कभी भी फेस एज इट इज ड्रॉ नहीं करती, सो मैं एक जस्ट शेडोई इफेक्ट दूंगी। दैट सो ये कंप्लीट हुई हमारी पेंटिंग। आई होप के आप लोगों के लिए आसान रहा होगा। मैंने कोशिश की कि एक स्लो पेस में आसान अंदाज में एक कॉम्प्लेक्स चीज आपको बताई जाए, ताकि आप लोग जब इस पे काम करें तो आप लोगों का फायदा हो, और फायदा इन अ सेंस के आप लोग कुछ नई और अच्छी चीज सीखें। सो आई होप के आप लोगों के लिए आज का ये लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अब करना ये है, आप लोग सेम टेक्निक यूज करेंगे और बनाएंगे सूफी और मुझे दिखाएंगे। विद इन 3 डेज आप मुझे ये दिखा सकते हैं, और देन आई विल लेट यू नो कि आपने किस हद तक इस इफेक्ट को सही से यूज किया या नहीं। आप कोई और सूफी, कोई और शेप बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। आप कुछ भी कोई और शेप, कोई और जेस्चर, कोई और कलर यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्ट ये देखना है कि आपने किस हद तक इस इफेक्ट को अपने काम में यूज किया। दैट्स इट। और ये सूफी पेंटिंग हुई कंप्लीट। थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट आएगा, वो हम साथ साथ दे देते हैं। तो सूफिज्म पेंटिंग में आज आप लोगों ने एक नई टेक्निक सीखी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये टेक्निक आसान रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक इस पे काम कीजिए। टिल देन टेक केयर।